बच्चों, फुर्सतगंज में गो कार्ट पार्क खुलने वाला है, जहां गो कार्टिंग होगी और वो अपने पार्क को प्रमोट करने के लिए एक गो कार्ट रेस रख रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे दे दें। सर, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। मैं अपनी गो कार्ट लाऊंगा। बंटी, गो कार्ट बहुत कॉस्टली होती है, ये कोई मामूली कार नहीं। वो लोग सबको अपनी कार दे रहे हैं। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे नई गो कार्ट खरीद देंगे। ओके ओके, जो बच्चा अपनी गो कार्ट लाना चाहता है वो ला सकता है। सर, मैं और इमली भी गो कार्ट रेस में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने अपने हाथ खड़े करे। मेरे प्यारे पापा, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे पापा हैं। अब बोलेगा भी क्या चाहिए या सिर्फ तारीफ ही करता रहेगा। पापा, मुझे गो कार्ट चाहिए। अरे तो जाओ खरीद लो। हाँ, क्या गो कार्ट? पापा प्लीज 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 प्लीज, मेरे अच्छे पापा, प्यारे पापा, प्लीज प्लीज, मैं नई गो कार्ट लेकर गो कार्ट रेस में फर्स्ट आना चाहता हूँ। दिस यंग बॉय वांट्स टू पार्टिसिपेट इन गो कार्ट रेस। उसे डिस्करेज मत कीजिए, उसे गो कार्ट लाके दे दीजिए। वो ओल्ड मैन पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन सर, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा इतनी महंगी चीज नहीं मांगता। मैं खुद एक गो कार्ट कंपनी का मालिक हूँ, इसी गो कार्ट रेस के लिए तो मैं आया हूँ। मैं आपके यंग और होनहार बच्चे को नई गो कार्ट दूंगा, लेकिन रेस के बाद आप उसे वापस कर देंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं कल गो कार्ट रेस में नई गो कार्ट लेकर आऊंगा। सी यू देयर। वो आदमी टिम्बकटू जैसा लग रहा था ना? यस, यू आर राइट। फिर तो हमें भी एक स्पेशल गो कार्ट तैयार करनी होगी और हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। गो कार्ट में तो एक ही सीट होती है, तुमने दो सीट लगाई है। मुझे मालूम था तुम मेरे बिना रेस में हिस्सा नहीं लोगे। थैंक यू वीर। तो चुलबुल, वीर ने दूसरी सीट मेरे लिए बनाई है। सॉरी दोस्तों, दूसरी सीट इमली के लिए है।